हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और ये जो सीन आप बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे, यह सीन जो है मेरी सबसे पहली वीडियो का सीन है। आप अगर मेरी चैनल पर जाएंगे और पहली वीडियो मेरा देखेंगे तो मेरा पहला वीडियो जो है हरियरपुर से ही बना था, क्योंकि मैं यहीं का रहने वाला हूँ। तो वो वीडियोज़ मेरा खूब वायरल हुआ वीडियो, तो मैंने सोचा कि आज फिर चलते हैं हरियरपुर, चूँकि घर आया था और समय था हमारे पास, पूर्णिमा भी थी। तो पूर्णिमा कह रही थी कहीं चला जाए घूमने, कहीं चला जाए घूमने। हम कहें चलो तुमको हरियरपुर जो है राम जानकी मंदिर पे चलते हैं घुमाने। तो वहीं हम लोग आए हैं आज घूमने के लिए। और यहाँ का दृश्य इतना बढ़िया है कि आपको दिखाते हैं हम। अभी जो है कुछ दिन पहले यहाँ पर शूटिंग भी हो रही थी भोजपुरी फिल्म की, और जो है आप हमारे चैनल पर ही देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ का लुक जो है पूरा चेंज हो चुका है, पहले से जो है काफ़ी अलग दिखेगा आपको देखने में आप यहाँ आएंगे तो। तो यहाँ पे जो है हरियरपुर इतना बदलता जा रहा है कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं देखने के लिए। और अब जो है हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि यहाँ पर जो है भोजपुरी फिल्म की शूटिंग अभी शुरू हुई है। मान लीजिए आने वाले समय में और भी शूटिंग होगी, और भी लोग जो है यहाँ पर आना चाहेंगे, वीडियोस लेना चाहेंगे, तो इससे हमारा भी नाम होगा। हमें भी गर्व होता है जब लोग जो है हमारी जगह को, हमारे अपने लोगों को जानते हैं, तो ये हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात है। तब पूर्णिमा कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? मुझे यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं तो यहाँ बस घूमने के लिए आई हूँ। अभी हम लोग राम जानकी मंदिर में जाएंगे और वहाँ देखेंगे अंदर क्या है। शायद मैं ये हरियरपुर में पहली बार आई हूँ राम जानकी मंदिर पे। तो नहीं, पहले तो हम लोग काफी जब छोटे थे तब तो आते जाते रहे जब छोटे थे, क्योंकि हम लोगों का जो है प्राथमिक शिक्षा जो है वो यहीं से शुरू हुई थी। यहाँ पे जो है सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय हुआ करता था। ये जो है बगल में ही, इस समय वो नहीं है, किसी कारणवश जो है नहीं चल पाया, लेकिन पहले समय में जो है हम लोगों की शिक्षा जो है यहीं पे हुई थी। और वो विद्यालय जो है वो कभी नहीं भूलेगा। वो जो है हम लोगों के जीवन का जो है सबसे पहला पड़ाव था, वहीं से हमको जो है शुरुआती ज्ञान हम लोगों को वहीं से हुआ था। क्यों? हाँ जी, शुरुआती ज्ञान तो हम लोगों का यहीं से हुआ था, क्योंकि हम नर्सरी से लेकर के और शायद 8 तक हम लोग सरस्वती शिशु मंदिर में ही हमारी पढ़ाई हुई है, हमारी और छोटू दोनों लोगों की। तो ये जो स्कूल है ये भी इस मंदिर के बगल में ही है, तो शायद हम इस मंदिर में आते जाते रहते थे। लेकिन बहुत पुरानी बात है आज के कम से कम, तब से तो कभी आए नहीं इधर। मैं तो आता रहता हूँ लेकिन अब ये मैं कभी भी नहीं आई, नहीं मिलता। तो मैंने कहा काफी दिन हो गए हैं चले हुए, चलो तुमको घुमा के लाता हूँ। तो चलिए आपको भी थोड़ा शॉर्ट वीडियो में वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं करूंगा, थोड़े ही समय में आपको दिखाता हूँ कि यहाँ का जो है पर्यावरण है जो कितना चेंज हुआ है, कितने बदलाव यहाँ पर आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपको अगर हम जूम करके दिखाएं तो यहाँ पर जो है फोटो शूट का कार्यक्रम चल रहा है। आप यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे 2-4-10 लोग तो आपको मिल ही जाएंगे। जो यहाँ पे ये जो है मिडिल स्कूल हुआ करता था, इस समय जो है बंद है, क्योंकि यहाँ पर छात्र जो है पढ़ने के लिए ही नहीं आते थे। सरकारी स्कूल की स्थिति क्या है वो उससे आप भलीभांति परिचित होंगे। तो इसको जो है एक छोटा सा पार्क का रूप दिया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, आने वाले समय में जो है यह बनेगा ऐसी मुझे आशा है। और यहाँ पे जो है किनारे किनारे पर नारियल के वृक्ष लगाए गए हैं जो कि देखने में बहुत ही सुंदर हैं। और बाकी ये जो है कार्यालय है, कार्यालय में शूटिंग चल रही थी जब, तो लोग विश्राम के लिए आते थे। बाकी नगर पालिका का कार्यालय भी है और आपने देखा ही होगा इस चीज़ को। और यहाँ पर बच्चे जो है स्नान कर रहे हैं, हालांकि ये बहुत गहरा है और बिना प्रोटेक्शन के ये लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है इन लोगों को हैबिट्स है नहाने की, तो इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं। हालांकि छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको ये करना तो नहीं चाहिए, खतरनाक हो सकता है, लेकिन जो है इनको आदत होगी इस चीज़ की, तो इसलिए जो है ये निर्भीक होकर यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। बाकी यहाँ का दृश्य आप देख सकते हैं कितना मनोहर है, कितना देखने में अच्छा लग रहा है। और जो भी लोग खाली होते हैं, फ्री होते हैं, तो यहाँ पर समय बिताने के लिए जो है ज़रूर आते हैं। और यहाँ पर आकर जो है वो बहुत ही आनंदित होते हैं। और इसमें 4 चांद लगाता हुआ ये जो है यहाँ का श्री राम जानकी मंदिर जो अपनी छटा बिखेर रहा है, आप देख सकते हैं बहुत ही भव्य मंदिर है। और जितना ये भव्य है इतना पुराना इसका इतिहास भी रहा है। और ये मंदिर देखने में भी बहुत भव्य है और यहाँ का इतिहास भी जो है काफी पुराना रहा है। हाँ।
हो ना, पानी चली हुआ। शर्मा जी,